बिहार विधान परिषद चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 7 अप्रैल को मतगणना होगी। एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चर्चा में रही सीवान सीट से बीजेपी ने मनोज सिंह को टिकट दिया है। इसके अलावा औरंगाबाद से दिलीप सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं गोपालगंज से भी भाजपा ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है। इसके अलावा जेडीयू के भी उम्मीदवारों में कई चौंकाने वाले नाम हैं। आइए जान लेते हैं उम्मीदवारों की लिस्ट। जेडीयू ने पटना से वाल्मीकि सिंह, नालंदा से रीना देवी, गया जहानाबाद और अरवल से मनोरमा देवी, नवादा से सलमान रागीब, भोजपुर और बक्सर से राधा चरण साह, पश्चिमी चंपारण से राजेश राम, मुजफ्फरपुर से दिनेश कुमार सिंह, सीतामढ़ी शिवहर से रेखा कुमारी को टिकट दिया है, जबकि मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा से संजय प्रसाद, भागलपुर बांका से विजय कुमार सिंह और मधुबनी से विनोद कुमार सिंह को टिकट मिला है। विधान परिषद के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो बेगूसराय से रजनीश सिंह, रोहतास एवं कैमूर से संतोष कुमार सिंह, दरभंगा से सुनील चौधरी, पूर्वी चंपारण से बबलू गुप्ता, औरंगाबाद से दिलीप सिंह, समस्तीपुर से तरुण कुमार, किशनगंज से दिलीप जायसवाल, कटिहार से अशोक अग्रवाल, सहरसा से नूतन सिंह, गोपालगंज से आदित्य नारायण पांडे, सारण से सच्चिदानंद राय और सिवान से मनोज सिंह को टिकट मिला है। सिवान की सीट काफी चर्चा में रही है। इस सीट से मनोज सिंह के अलावा नीरज तिवारी भी बीजेपी के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। वहीं मनोज सिंह की उम्मीदवारी का विरोध पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने किया था, हालांकि बाद में मनोज सिंह के नाम पर सहमति बन गई है। बता दें कि बीजेपी ने अपनी एक सीट वैशाली की केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP को दी है। पार्टी ने भूषण राय को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। पिछली बार वहां से RJD के सुबोध राय जीते थे। RJD ने एक बार फिर सुबोध को वैशाली से मैदान में उतारा है।